अस्सलाम वालेकुम, सलाम स्टेट एंड बिल्डर से मैं हूँ हैदर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उन लोगों के फाइल्स के बारे में जो कि नॉन डेवलप एरिया में बहरिया टाउन में है, जिसमें बहरिया पैराडाइज का एरिया शामिल है, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का एरिया शामिल है और बीटी के ओल्ड का एरिया शामिल है। जैसे कि बीटी के ओल्ड एरिए की बात करते हैं तो 29 ABCD, 32 ABCD, 33 ABCD और भी जो एरिया बीटी के ओल्ड में रिफंड पॉलिसी में चले गया है या जो नॉन डेवलप एरिया है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स सिटी की, तो स्पोर्ट्स सिटी प्रेसेंट 41 से लेके 45 तक का एरिया जो नॉन डेवलप एरिया है या जो रिफंड पॉलिसी में चले गया है। इसी तरीके से हम पैराडाइज की बात अगर करें तो पैराडाइज के कोई 52, 53 या 55 जो भी पैराडाइज के प्रेसेंट्स हैं, नॉन डेवलप हैं और रिफंड पॉलिसी में चले गए हैं, आज हम उन लोगों के लिए खुसूसन वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगी कि उनके फर्दर डिसीजन में वो क्या कर सकते हैं, कि उनकी जो अभी इस वक्त मार्केट देखते हैं तो मार्केट में वो अगर फाइलें बेचने अपनी जाते हैं तो तकरीबन कोई 38 से 40% माइनस में उनकी फाइलें वो सोल्ड आउट होती हैं। और अगर वो रिफंड पॉलिसी में जाते हैं तो रिफंड पॉलिसी में वो फुल उनको पेमेंट रिसीव हो जाती है, मगर उस रिफंड पॉलिसी में कितने टाइम में उनको वो पेमेंट मिले, यानी कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमें कॉल करके कहते हैं कि हम बहरिया टाउन में रिफंड पॉलिसी में भी अपनी फाइलों को नहीं लेके जाना चाहते। उसकी बहुत सारी रीज़न ये है कि वो रिफ़ंड पॉलिसी को भी वो बाज़ औक़ात इस तरह से लेते हैं कि उनको क्रेडिट नोट या कोई ऐसी चेक्स जो हैं वो मिले और वो कब क्लियर हों और उनकी अमाउंट जो है वो कितने अरसे में उनको वापस मिले, कि उन लोगों को वो अपनी फाइलों को पूरी पूरी अमाउंट को जो है वो राइट नाउ जो है वो एडजस्ट करवा सकते हैं बग़ैर कोई डिडक्ट हुई हुई अमाउंट। यानी 38-40% जो माइनस हो रहा है इस वक्त मार्केट में, जो एक ट्रेंड चल रहा है, वो माइनस से बच जाएंगे। यानी उनकी जितनी भी उन्होंने पेमेंट की होगी वो 100% जो है बहरिया टाउन के कुछ प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से उनकी डेवलपमेंट हो रही है मुख्तलिफ कमर्शल्स के अंदर। यानी कि जब हम उनकी बात करते हैं तो उनके प्रोजेक्ट्स जिना एवेन्यू कमर्शल्स में हमें नज़र आते हैं, हमें उनके प्रोजेक्ट्स मिडवे कमर्शल्स में नज़र आते हैं, हमें उनके प्रोजेक्ट्स लिबर्टी कमर्शल में नज़र आते हैं और वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। उन क्लाइंट्स के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ, वो इसको बहुत अच्छे से अवेल कर सकते हैं क्योंकि उनकी अमाउंट जो है, जो उनकी फाइल्स की अमाउंट है, वो इसमें 100% एडजस्ट हो रही है। आप हमारे ऑफिस विजिट करें और हम आपको दिखाएंगे कि ऑन ग्राउंड कितनी अच्छी वर्किंग चल रही है। इसमें हमारे पास कमर्शियल्स भी ऑप्शंस हैं जिसमें ऑफिसेस अवेलेबल हैं, शॉप्स अवेलेबल हैं, और अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो अपनी 100% अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। विलास के अंदर अली ब्लॉक के विलास हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो है इस अमाउंट को एडजस्ट करवा रहे हैं, अपनी फाइलों की एडजस्ट करवा रहे हैं। और जिन लोगों का ख्वाब था कि हम बहरिया टाउन में कोई अपनी बने बनाए घर ले लें, अपने बने बनाए अपार्टमेंट ले लें, तो उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि बग़ैर डिटेक्ट हुए हुए अपनी फाइल की अमाउंट को जो है उन जगहों पर एडजस्ट करवा लें। हर चीज़ इस वक्त अवेलेबल है, अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, शॉप्स अवेलेबल हैं, विलास अवेलेबल हैं और ऑफिसेस अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए मज़ीद इंक्वायरी के लिए आप हमसे राब्ता कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।